आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए की गई बैठक का आयोजन जिलाधिकारी ने बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं को शासन से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि इस बार भी पिछली बार की तरह ही मस्जिदों में ही सभी नमाज अदा करेंगे, सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से आपसी सौहार्द बनाए रखने और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की है। इस दौरान जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं की समस्याओं को सुनते हुए निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने पानी, बिजली व साफ सफाई की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अवगत कराया कि बकरा ईद के त्यौहार 3 दिन तक चलता है, जो आगामी 10 जुलाई से शुरू हो जाएगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जिला प्रशासन से मांग की है त्यौहार के दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, जिससे कि किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और त्यौहार में व्यवधान डालने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। SSP विनीत जायसवाल ने सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील की और सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेश डालने वाले और कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालने की सख्त हिदायत दी। बैठक में जनपद के सभी मुस्लिम धर्मगुरु व जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, SSP विनीत जायसवाल, ADM प्रशासन नरेंद्र बहादुर, सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार, SP सिटी अर्पित विजयवर्गीय, SP ग्रामीण अतुल कुमार श्रीवास्तव, SP ट्रैफिक कुलदीप सिंह सहित आय अधिकारी मौजूद रहे। सर त्योहारों के मद्देनजर कुछ मैसेज देना चाहते हैं सर, कुछ बच्चों को जैसे धर्मगुरुओं के साथ बकरीद को लेकर तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था ईद पर रहेगी सर, जैसे कि अभी आपने कुछ गांव का जिक्र भी किया है। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट के सभागार में आज जनपद के सभी संभ्रांत और सम्मानित धर्मगुरुओं से पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जो आगामी हमारे त्यौहार आ रहे हैं, विशेषकर जो बकरीद का त्यौहार है उसको लेकर ये मीटिंग की गई है, ताकि जो भी समस्याएं उनके द्वारा बताई जाएँ समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके। पुलिस विभाग के अतिरिक्त सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, उनके द्वारा सभी बताए गए बिंदु नोट भी कर लिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन की पूरी व्यवस्थाएँ उस दिन के लिए अपनी तैयारियाँ की जा रही हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जगह जगह वहाँ तैनात रहेगा। सफाई की और बिजली विभाग की टीम हमारे कुछ बताएंगी सकुशलता से इस त्यौहार को हमारे द्वारा संपन्न। सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है कुर्बानी की तस्वीरें फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाती है, तो क्या कोई किस तरह की चेतावनी जैसे लोगों के लिए? देखिए जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं सम्मानित, उनके माध्यम से हम सभी से अपील कर रहे हैं, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, सोशल मीडिया के यूज़ के प्रति उनको और सजग करने की आवश्यकता है। और सोशल मीडिया पे हमारे मुजफ्फरनगर पुलिस को सोशल मीडिया सेल द्वारा सतत दृष्टि रखी जा रही है, यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार का माहौल खराब करने वाला कोई कृत्य सोशल मीडिया पे किया ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बकरीद आने वाली है तो किस तरह की तैयारियाँ मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है और किस तरह की व्यवस्था रहेगी? देखिए बकरीद का त्यौहार 3 दिन मनाया जाता है, जो इस बार
10, 11 और 12 जुलाई को मनाया जाएगा। 10 जुलाई को जो है ईदगाह में और मसाजिद में जो है ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी और 3 दिन जो है वो कुर्बानी की जाएगी। इसके सिलसिले में मुझे ये अर्ज़ करना है कि जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही, उसके अनुसार ही कुर्बानी करें, यानी कुर्बानी खुली जगह में ना करें और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर बिल्कुल ना डालें। साथ ही साथ जो गोश्त हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बांटने के लिए, गुरबा में बांटते हैं, गरीब लोगों को बांटते हैं, यतीम बच्चों में बांटते हैं, तो उसको जो है ढक कर अच्छी तरह पैक कर कर ले जाएं और इसका बात का ख्याल रखें। जो गंदगी है, आलाइश है, उसको उठाने का जिम्मा वैसे नगर पालिका का है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसको इन्फॉर्म करें और उठवाएँ, साफ सफाई का ख्याल रखें और अगर गोश्त बच जाता है तो बढ़ा। जिला प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग हुई तो क्या आपको हिदायत दी है, किस तरह के निर्देशन दिए गए? हाँ, आज DM साहब और SSP साहब मुजफ्फरनगर ने जो है कलेक्ट्रेट में मीटिंग ली है, शांति समिति के सभी मौजूद हजरात उलमा-ए-किराम इसमें मौजूद थे, तो उन्होंने जो सरकारी गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से बताया कि कोई दिक्कत नहीं है और अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की बात न करें जिससे कि माहौल खराब हो। प्रतिबंधित जानवर जैसे कि बकरीद होती है, लोग कुर्बानी कर देते हैं, उन लोगों की क्या चेतावनी है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो कानून तोड़ेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी हो। और त्यौहार के दिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि खुद तो परेशानी में आप आ ही रहे हैं, पूरे समाज को, पूरे शहर को आप एक परेशानी के अंदर, एक तकलीफ के अंदर मुब्तला कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। इसलिए जो सरकार की तरफ से प्रतिबंधित पशु हैं उनको बिल्कुल ही कुर्बान ना करें और कम से कम ईद उल अज़हा बकरा ईद को ये काम बिल्कुल। नमाज के लिए क्या रहेगा, क्योंकि नमाज सड़क पर पड़ी जाएगी या मस्जिद? यही इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि जो कल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी की VC हुई है अफसरान के साथ, उसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह से ईद की नमाज में सड़कों पर नहीं पड़ी गई थी, क्योंकि जरा ये लगा कि नमाज पर नहीं पड़ी। ठीक है, धन्यवाद। कैसा बार मीटिंग ली गई है प्रशासन की तरफ से, इस तरह की मीटिंग पे किस तरह की हिदायतें दी गई है? देखिए, ये मीटिंग जो त्यौहार आ रहे हैं, ईद उल अज़हा का त्यौहार है, कावड़ है और त्यौहार आ रहे हैं, उस सिलसिले में भी त्यौहार का मतलब है आपस में प्यार मोहब्बत, मैं एक दूसरे को पैगाम दे रहा हूँ। इसमें यही अपील की गई है कि सब लोग अमन-ओ-अमान के साथ जो है वो ईद उल अज़हा त्यौहार मनाएं। जहाँ तक देखिए प्रतिबंधित कुर्बानी के जानवरों का ताल्लुक़ है, हमारा जनपद हमेशा इस मामले में हमेशा उबल रहा है। हमारे मुजफ्फरनगर के अंदर कभी भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना हुई है और ना होगी, और त्यौहार इंशाल्लाह ईद उल अज़हा बिल्कुल अमन अमान के साथ और शांति के साथ मनाया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।